हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले डिजाइनर सी कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पर मैंने टापेटा सिल्क का फैब्रिक लिया हुआ है। इससे हम हमारी एंकल पैंट रेडी करेंगे एंड देन ये कुर्ती जो हम बना रहे हैं 3-in-1 कुर्ती रहेगी। इसे हम 3 टाइप से वियर कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर कुर्ती के लिए फैब्रिक लिया हुआ है और 1 मीटर उसके लिए लाइनिंग लिया हुआ है, ठीक है। सो इससे हम हमारी कुर्ती रेडी करने वाले हैं। सो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले जो हमारा कुर्ती वाला फैब्रिक है, इसे सिंपली में हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ये हमारा ओपन साइडेड है, ये आप देख सकते हैं, ये इधर की साइड ओपन साइड है और उधर की साइड बंद साइड है। अब ओपन साइड से हमें से जितना हमारी कुर्ती का चेस्ट मेजरमेंट होगा उससे थोड़ा सा ज्यादा लेते हुए इको बार फोल्ड कर देना है। तो ये डबल फोल्ड है तो 4 फोल्ड हो जाएगा। अब जितनी भी हमारी लेंथ होगी उतनी हमें यहाँ लेंथ ले लेना है, ठीक है। अब जितनी हमें लेंथ चाहिए थी कुर्ती की लेंथ ले लेंगे और उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पर रेडी लेंथ चाहिए 39, रेडी लेंथ चाहिए, हमने यहाँ पर 2 इंच बढ़ा कर ले लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ ली 41 लेंथ लिए, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है। अब इसमें हम हमारी शोल्डर एंड चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं विड्थ में हमने लिया है 12 इंचेस, ठीक है, और चौड़ाई में हमने 12 इंचेस लिया है और लंबाई में हमने लिया है 41 इंचेस, ठीक है। अब यहाँ से हम हमारी शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। इस टाइप से जहाँ पर हमने मार्किंग की हुई है, यहाँ पर इस टाइप से मार्किंग को पहले हम यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्क ले लेते हैं। तो यहाँ पर से हम ले रहे हैं 2.7 इंचेस, यहाँ पर नेक की गोलाई ले रहे हैं, ठीक है, नेक की विड्थ ले रहे हैं और 6 इंचेस यहाँ पर ले रही हूँ मैं शोल्डर, ठीक है। ये कुर्ती हम बना रहे हैं 32 चेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर 6.5 इंचेस में आर्म होल ले रही हूँ। 6.5 इंचेस के आर्म होल मैंने स्ट्रेटली ड्रॉ कर लिए नीचे तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इसे स्ट्रेटली मिला लेंगे। तो सिंपली यहाँ से इसे स्ट्रेटली मिला लेना है। ये जो हमने यहाँ से इस टाइप से इसे स्ट्रेटली लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर्स के लिए जो हमने आर्म होल लिए हैं, शोल्डर से लेके आर्म होल तक इसे अटैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमें 7 इंचेस पर मार्क लगाना है, ठीक है। 7 इंचेस पर मार्क लगा लेंगे, चेस्ट के लिए रहेगा। और चेस्ट पे हम यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क कर लेना है, 32 का 4 पार्ट लेना है, ठीक है। 32 का 4 पार्ट लेंगे, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंचेस आएगा और 2 इंच की हम मार्जिन रख रहे हैं, ठीक है इसमें। तो यहाँ से हमने डिवाइड कर लिया है, चेस्ट मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया हुआ है। उसके बाद कमर का मेजरमेंट लगाएंगे 14 इंचेस पर, ठीक है। 14 इंचेस पे मैंने कमर का मेजरमेंट लगाया है और जितनी भी हमारी कमर की गोलाई होगी उसका 4 पार्ट ले लेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हमारी कमर की गोलाई 28 इंचेस है तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 7 इंचेस, ठीक है, और यहाँ पर 2 इंच की मार्जिन रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम हिप मेजरमेंट, हिप की गोलाई लगा लेंगे। तो हिप की गोलाई लगा रही हूँ मैं यहाँ 20 इंचेस पर, ठीक है, और जितने भी हमारी हिप की गोलाई होगी उसका 4 पार्ट ले लेंगे, ठीक है। की गोलाई का 4 पार्ट, यहाँ पर हम ना हमारे हिप की गोलाई 36 इंचेस, तो मैं 9 इंचेस ले रही हूँ और डिवाइडेड बाय 4 एंड देन इसमें 2 इंच की मार्जिन रख रहे हैं। अब इन जो भी हमने मार्किंग की है इन्हें हम मिला लेंगे। जो हमने यहाँ पर 2 इंच की मार्जिन की है इसे हम पहले मिला लेंगे, उसके बाद जो हमने फिटिंग के लिए मार्किंग की है उसे भी हमें मिला लेना है। ये रहेगी हमारी कटिंग वाली मार्क और ये रहेगा हमारा फिटिंग वाला मार्क, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 2 इंच लूजिंग रखा है, ठीक है, और इसे इस टाइप से राउंड में मिला लेना है सिंपली, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें आर्म होल लगा लेना है और नेक की गोलाई ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आर्म होल में यहाँ पर 1/2 इंचेस फ्रंट आर्म होल ले रही हो और 1 इंचेस बैक आर्म होल ले रही हो, ठीक है। सो इस टाइप से हमें दोनों आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है एंड देन उसके बाद कटिंग कर लेना है, ठीक है। सो ये हमने फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम ज्यादा करते हैं, बैक आर्म होल की कटिंग हम कम करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब जितना भी आपको नेक रखना है, फ्रंट नेक और बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट नेक में रख रही हूँ 5 इंचेस का, ठीक है, और बैक नेक रख रही हूँ मैं 7 इंचेस का, ठीक है। 7 इंचेस का हम बैक नेक रख रहे हो, फ्रंट नेक रख रहे हैं हम 5 इंचेस का। सो यहाँ पर हम दोनों में सिंपली राउंड नेक रख रहे हैं। सो यहाँ पर इसे मिला देना है। पहले मैं बॉक्स बना रही हूँ, उसके बाद इसे स्ट्रेटली राउंड में मिला लेना है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप से इसमें राउंड शेप दे देना है। ये रहेगा हमारा फ्रंट वाला और ये रहेगा हमारा बैक का नेक, ठीक है। सो दोनों नेक हमने सिंपली ड्रॉ कर लेना है।
सी इस टाइप से हमने नेक को ड्रॉ कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ से हमें स्ट्रेटली नीचे तक लाइन ड्रॉ कर लेना है और जहां तक हमारी लेंथ रखनी है वहां तक इसे स्ट्रेटली मिलाते हुए कट कर लेना है। ठीक है, ऑल ओवर हमारी कुर्ती की मार्किंग हो गई है। देन अब इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हम इसे कट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारा बैक में नेक बड़ा है, सो यहाँ पर शोल्डर की साइड से आर्म होल में 1/2 इंचेस डाउन ले लेंगे और जो नेक की साइड से हम इधर के साइड से डाउन लेते हुए इसे मिला लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारा नेक डीप है, सो इस टाइप से हमारी कंधी नहीं खिसकेगी, इसलिए हमने नेक की साइड से डाउन लिया है और आर्म होल की साइड से इसे बराबरी से लिया है, 1/2 इंचेस हमने डाउन लिया है। देन जो हमारा कटिंग वाला मार्क है इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, और ये रहेगा हमारा फिटिंग वाला मार्क। ठीक है, एंड ऑल ओवर को हम कट कर लेंगे, दोनों फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, सो ये हमारी ऑल ओवर मार्किंग हो चुकी है। देन इसके बाद हमें कॉलर की मार्किंग करना है, ये हम पहले इसे कट कर लेते हैं। पहले हम फ्रंट नेक कट कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे, उसके बाद हम बैक की आर्म होल और बैक का नेक कट कर लेना है। ठीक है, सो इस टाइप से हम इसे कट कर लेते हैं। सो जहां तक हमने मार्किंग की है इसे ऑल ओवर को कट कर लेना है। ठीक है, सो ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर ली, ये वाला हमारा बैक पार्ट है एंड देन वो हमारा फ्रंट पार्ट है, दोनों पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम हमारा लाइनिंग फैब्रिक भी कट कर लेना है, ये हमने मैन फैब्रिक कट किया है, अब ये हमारा लाइनिंग फैब्रिक भी इन्हीं के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। ठीक है, सेम इसी के अकॉर्डिंग यही मेजरमेंट रहेगा, फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को कट कर लेंगे, लाइनिंग लगा रहे हैं। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने सिंपली डबल फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है। ठीक है, एंड देन इसे हम 4 फोल्ड कर लेंगे। इसकी विड्थ मैंने यहाँ रखी है 9.5 इंचेस और लेंथ में इसको 9.5 इंचेस लिया है और विड्थ में हमने यहाँ पर इसे 17 इंचेस लिया है। ठीक है, यहाँ पर से अब इसे हमें डबल फोल्ड कर लिया है, ये है हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक हो गया है। ठीक है, हमने डबल फोल्ड किया हुआ था एंड अगेन फोल्ड किया है। ठीक है, अब जो हमारा ओपन साइड है इधर की साइड से हमें पहले मेजर कर लेंगे और यहाँ पर मैं मार्क लगा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 2 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ। ठीक है, जो ओपन साइड है उधर की साइड से, देन इसे राउंड में मिला लेना है। ठीक है, ये इस टाइप से राउंड में मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद जितनी भी हमारी नीचे की साइड की गोलाई रहेगी, जितनी हमें स्लीव्स की लेंथ रखी है उसकी गोलाई को मेजर करते हुए उसकी फिटिंग ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमारी गोलाई आ रही है 10 इंचेस, तो मैं यहाँ पर 5 इंचेस पर मार्क कर रही हूँ एंड 2 इंचेस मार्जिन के लिए रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 7 इंचेस फिटिंग के लिए मार्क रख रही हूँ और इसे स्ट्रेटली मिला लेना है नीचे तक की टाइप। अब इसे हमें कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर से ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग। अब इसमें हमें फ्रंट स्लीव्स के लिए राउंड शेप देना है इसमें ऊपर की साइड से, तो यहाँ से हमें 2 इंच पर मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी 2 इंचेस पर मार्क करते हुए इसे इस टाइप से मछली शेप दे देंगे। ठीक है, जो कि हमारी फ्रंट स्लीव्स के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, एंड देन ड्रॉ करने के बाद इसे हमें कट कर लेना है, ये हो जाएगी हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग। ठीक है, इसे जो हमने यहाँ पर शेप दिया है इसे भी हमें कट कर लेना है। ठीक है, और जो नीचे तक की मार्किंग की है इसे भी हम कट कर लेंगे। ठीक है, ये कुर्ती हम 3 टाइप से वियर कर सकते हैं, इसमें हम जैकेट भी बनाने वाले हैं एंड देन इसमें कॉलर रखेंगे, इसे हम 3 टाइप से वियर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इसमें स्लीव्स की कटिंग हमें कर लेना है और सेंटर में हमें कट लगा लेना है। ठीक है, ताकि शोल्डर ज्वाइन करने में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने लाइनिंग भी कट कर लिया, आप देख सकते हैं ये हमारे लाइनिंग वाले पार्टी की कटिंग भी हमने कर ली है। ठीक है, अब हमें लाइनिंग फैब्रिक से मैन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये जो लाइनिंग फैब्रिक है इसे मैन फैब्रिक से अटैच कर लेना है, सो रॉन्ग साइड हमारी बाहर रहेगी और सीधा साइड जो राइट साइड रहेगा वो अंदर की साइड रहेगा। ठीक है, रॉन्ग साइड हम बाहर रखते हुए नेक को स्टिच कर लेना है। ठीक है, सीधा साइड अंदर की साइड और रॉन्ग साइड बाहर की साइड है। ठीक है, इसे स्टिच कर लेना है। ठीक है, और सेम यही प्रोसीजर हमें बैक पार्ट में भी करनी है और फ्रंट पार्ट में भी करनी, दोनों पार्ट में हमें स्टिचिंग लगा लेना है। ठीक है, नेक में यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेंगे दोनों पार्ट्स में। ठीक है, सिर्फ स्टिचिंग कर लेते हैं इसकी हमें, उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने स्लीव्स की कटिंग की है इसमें हम नीचे की साइड फ्रिल लगाने वाले हैं, तो फ्रिल के लिए हम यहाँ पर फैब्रिक लिया हुआ है मैंने
मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिप्स कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर दो स्ट्रिप्स ऑलरेडी कट कर ली है। इसकी मैं आपको लेंथ एंड विड्थ भी मेजर करके बता देती हूँ। यहाँ पर हमने इस दो स्ट्रिप्स कट किए दोनों स्लीव्स के लिए। इसकी हमने यहाँ पर लेंथ ली है 4 इंचेस और इसकी चौड़ाई मैंने जितनी भी आपकी स्लीव्स हो ना उसकी लगभग तिबल गुना ले लेंगे हम। यहाँ पर मैं इसकी ले रही हूँ चौड़ाई ले रही हूँ मैं 35 इंचेस, ठीक है। और यहाँ पर 4 इंचेस इसकी लंबाई ली है, ठीक है। मैंने अब इसे लगा लेना है, इसे डबल फोल्ड करते हुए लगा लेंगे, ठीक है। जो हमने स्ट्रिप्स कट किए इसमें हम यहाँ पर फ्रिल देना है नीचे की साइड में, ठीक है। तो इसे सिंपली पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इसमें इस टाइप से फ्रिल दे देंगे, छोटी छोटी से प्लेट्स लगा लेना है, ठीक है। आप इसे स्पून से भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, कच्चा करके भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्लीव्स में अटैच कर लेना है, ठीक है। इस टाइप से दोनों स्लीव्स में हम फ्रिल्स को अटैच कर लेना है, ठीक है। तो ये हम दोनों स्लीव्स को भी रेडी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने नेक को स्टिच कर लिया और नेक के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो हमारा नीचे जो हमने फिटिंग लगाना है वहां पर भी मैंने इसे अटैच कर लिया है, ठीक है। नेक में स्टिचिंग दे दी है फ्रंट और बैक पार्ट में, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब जो हमने नेक को स्टिच किया है इसमें राउंड शेप है, सो इसे हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे ताकि अब फिनिशिंग से पलट जाए, ठीक है। दोनों पार्ट्स में हम छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों में, ठीक है, ताकि ये इजिली पलट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस टाइप से कट लगा लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमें कट लगा लेना है सेम यही प्रोसीजर से, ठीक है। और यहाँ पर हमारी गुम सिलाई हो जाती है इस टाइप से। अगर हम यहाँ पर कैनवास भी लगाने की जरूरत नहीं रहती, अगर हम इस टाइप से, अगर आप अस्तर लगा रहे हैं, लाइनिंग फैब्रिक यूज कर रहे हैं, तो आप यही ट्रिक से लगाइए, आपको कैनवास यूज करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। हमने यहाँ पर दोनों साइड से इस टाइप से स्टिचिंग दे दी ताकि हमारे धागे नहीं निकलेंगे, सो ये अंदर की साइड चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये अंदर की साइड से जो हमें फिटिंग देना है वहां पर भी मैंने सिलाई लगा ली थी, ठीक है। लाइनिंग फैब्रिक से मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया था। अब यहाँ पर हम शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे और यहाँ पर इस टाइप से नेक में ऊपर की साइड 1/2 इंचेस छोड़ते हुए स्टिचिंग दे देंगे। आप देख सकते हैं मैंने 1/2 इंचेस छोड़ते हुए फ्रंट और नेक, बैक नेक दोनों को स्टिचिंग भी दे दी है और यहाँ पर शोल्डर्स को भी ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है। अब शोल्डर्स ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पर हम स्लीव्स लगा लेंगे, ठीक है। और स्लीव्स में हमने सेंटर में कट लगाया था, वो कट हमारा रहेगा बिल्कुल शोल्डर पर, ठीक है। और यहाँ पर ही मैंने फ्रिल रेडी कर लिया, फ्रिल को हम यहाँ पर स्टिच कर लेना है, ठीक है। ये सीधी साइड रख लेंगे और यहाँ पर इस टाइप से फ्रिल को रॉन्ग साइड से रखते हुए यहाँ पर स्टिच दे देना है, ठीक है। जो हमने सिलाई लगाई है उसी पर सिलाई लगाएंगे और ये इस टाइप से हमारी फ्रिल का लुक आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर इस टाइप से मैंने स्टिचिंग दे दी है फ्रिल को। अब यहाँ पर हमें स्लीव्स शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे शोल्डर से अटैच कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इस टाइप से लेते हुए ये हमारा कट रहेगा, ये शोल्डर पर अटैच होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इस टाइप से स्टिचिंग दे देना है। ये कट आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल शोल्डर पर आ रहा है। इस टाइप से दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। फ्रंट स्लीव्स हमारी ज़्यादा कटिंग होती है, बैक स्लीव्स की हमारी कम कटिंग होती है, इसलिए आप ध्यान रखिए दोनों स्लीव्स बराबरी से ज्वाइंट हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दोनों स्लीव्स को ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन कर लेने के बाद अब इसमें हम फिटिंग लगा देंगे, ठीक है। जो हमने यहाँ पर फिटिंग के लिए मार्किंग की थी वहां तक हमें फिटिंग लगा देना है, ठीक है। ये इस टाइप से फिटिंग लगा देंगे और फिटिंग लगाने के बाद हमारे जो नीचे के कट है इसे भी हमें स्टिच कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था जहां तक हिप मेजरमेंट था वहां से लेके स्लीव्स मेजरमेंट तक, ठीक है। हिप मेजरमेंट से स्लीव्स मेजरमेंट तक इसे फिटिंग दे देंगे, ठीक है। हिप मेजरमेंट है वहां से लेके स्लीव्स तक, ठीक है। 20 इंचेस पर हमने हिप मेजरमेंट लगाया था, आप बाद में ड्रॉ कर लीजिए ये 20 इंचेस हमारा कहाँ आ रहा है। वहां से हमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था, उसे हम फिटिंग में ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नीचे कट रहेंगे इसे हम यहाँ पर पहले अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे एंड देन अगेन फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक स्टिचिंग चला देना है, ठीक है। डबल स्टिचिंग नहीं चला रहे हैं यहाँ पर, हम सिंपली 1 स्टिचिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसे स्टिचिंग कर लेना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चारों साइड, ठीक है, फ्रंट में भी और बैक में भी यही प्रोसेसर करना है, ठीक है। हमें दोनों साइड के कट स्टिच कर लिया, आप देख सकते हैं यह हमारी ऑल ओवर कुर्ती रेडी हो गई है। मैंने यहाँ पर बटन्स लगा लेना है, ठीक है। ये बटन लगाएंगे हम कॉलर अटैच करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर पिंक कलर के बटन लगा रही हूँ क्योंकि हमारे
जो पैंट रहेगी, एंकल पैंट रहेगी, वो पिंक कलर की। सो यहाँ पर मैं बटन भी पिंक कलर की यूज कर रही हूँ। एंड देन कॉलर भी हम पिंक कलर की ले रहे हैं, जो हमारी पैंट का फैब्रिक था उसी की मैं कॉलर बना रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर पहले हम 4 इंचेस फैब्रिक ले लेते हैं। ठीक है, 4 इंचेस पर मैं मार्क कर रही हूँ और इसकी लेंथ रख रही हूँ मैं यहाँ पर 4 इंचेस। एंड देन इसकी जो हम यहाँ से 4 इंचेस लिया है, उसके बाद यहाँ से पहले आप मेजर कर लीजिए एज इट इज, उसके बाद इसे हम कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर से मैंने लिया है 12 इंचेस और यहाँ से लिया है मैंने 4 इंचेस। ठीक है, हमने 4 इंचेस 4 बाय 12 इंचेस का फैब्रिक लिया है। देन इसे स्ट्रेटली स्केल से आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद देन इसे हम कट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है 4 बाय 12 इंचेस की। ठीक है, एंड देन इसे बिल्कुल बराबरी से कट कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर स्टिचिंग दे देना है। ठीक है, स्टिचिंग कैसे देंगे हम, इसकी बिल्कुल किनारी पर सिलाई चला देना है। ठीक है, और सिलाई चलाने के बाद जो हमारा नीचे की साइड का फैब्रिक रहेगा वहां पर भी हमें स्टिचिंग देना है, बट वो वी शेप में। ठीक है, इस टाइप से वी शेप में हमें स्टिचिंग चला देना है। ठीक है, ये इस टाइप से हम वी शेप में स्टिचिंग दे देंगे और जो एक साइड ओपन है वहां पर भी हमें स्टिचिंग चला देना है। ठीक है, सो इसे स्टिच कर लेते हैं यहाँ से, इस टाइप से यहाँ तक स्टिच कर लेना है चारों साइड से। ठीक है, एक साइड ओपन रखेंगे हम, ऊपर की साइड वाला जो ज्वाइंट होगा उसे हम ओपन रख रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक इसे स्टिच दे देंगे। ठीक है, ताकि हमें, और देन आप यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक और लिए, जो हमारी कुर्ती का फैब्रिक है वही वाले फैब्रिक मैंने लिए और इसकी लेंथ रखी है मैंने यहाँ पर, इसको मैंने लिया है 14 इंचेस और यहाँ से लिया है मैंने 3 इंचेस। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 पट्टी कट की है। ठीक है, ये दोनों पट्टी को पहले हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे एज इट इज, यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे और ऊपर वाली को ऊपर से ज्वाइन कर लेंगे। सीधा साइड हमारा अंदर है और बाहर रॉन्ग साइड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दी है और यहाँ पर भी मैंने इसे स्टिचिंग दे दिया है। ठीक है, अब इसे हम यहाँ से सीधा कर लेना है। ठीक है, और इसे भी हमें यहाँ से सीधा कर लेना है। ठीक है, दोनों पट्टीज को हम सीधा कर लेंगे जो हमने स्टिचिंग दी है। ये हम कॉलर रेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बड़ी सुई ले रही हूँ ताकि ये इजीली पलट जाए। ठीक है, अब यहाँ पर इसे मैंने जो स्टिचिंग वी शेप में दे दी है और उसके बाद यहाँ पर मैं गोटा की लेस ले रही हूँ। ये बिल्कुल सबसे बारीक वाली लेस आती है जो गोटा पत्ती की, वो वाली लेस ले रही हूँ मैं यहाँ पर इसे लगा देना है। ठीक है, आप चाहे तो, अगर आप बटन्स नहीं लगा रहे तो आप इसे फ्रंट में भी लगा सकते हैं, और मैं यहाँ पर बटन लगा रही हूँ तो मैं इसके आउटसाइड लेस लगा रही हूँ बिल्कुल किनारी पर। ठीक है, ताकि हमारी जो कॉलर का लुक आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर भी आप चाहे तो लेस भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक साइड लेस लगा रही हूँ जहां पर हमने स्टिचिंग दी है उसी के ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ। ठीक है, तो सिंपली हमें यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टिचिंग दी है एक साइड नीचे की साइड वहां पर लेस लगा लेनी है। ठीक है, और इसका सेंटर बिल्कुल पहले यहाँ पर हम सेंटर में से कर लेंगे और सेंटर पे यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, जो हमारी नीचे वाला पैटर्न रहेगा वो यहाँ पर सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में ज्वाइंट कर लेंगे। इसे अंदर की साइड पहले फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस टाइप से स्टिचिंग चला देना है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर लेस लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लेस लगा ली है, आप देख सकते हैं, और ये जो हमारे बटन रहेंगे हम कुर्ती पर ज्वाइन करेंगे, बट इसका लुक हम यहाँ पर कांच लगाने वाले, जो हमने कॉलर बनाई है इसमें हम कांच लगाएंगे। ठीक है, तो ये बटन हम यहाँ पर इस टाइप से स्टिच करेंगे। मैंने 2-2 इंचेस की गैपिंग पर स्टिच कर लिए। ठीक है, बटन को यहाँ पर पहले अटैच कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम कांच करेंगे। ठीक है, पहले बटन ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 बटन लगाए हैं 2-2 इंचेस की गेप पर। उसके बाद यहाँ पर बटन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें मेजर करते हुए यहाँ पर कांच कर लेना है। ठीक है, बटन्स के लिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर कॉलर में बैक साइड में हम हुकाई लगा देंगे। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कांच कर लिए, जो हमारे बटन्स है ये इस टाइप से रहेंगे और इन्हें हम वियर करने के टाइम इस कॉलर को, अगर हम कॉलर को वन साइड से वियर कर सकते हैं। ठीक है, एज इट इज इसे कुर्ता भी वियर कर सकते हैं, इसे कॉलर से भी अटैच कर सकते हैं। इस टाइप से हम यहाँ पर पहले हुकाई लगा देंगे बैक साइड में, इसे यहाँ पर हुकाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर इस टाइप से इसे कॉलर को ज्वाइन करके वियर कर सकते हैं।
सो ये इस टाइप से हम वियर कर सकते हैं इसे। एज इट इज हम कुर्ता भी सिंपली कुर्ता भी वियर कर सकते हैं, एज इट इज द कॉलर से के थ्रू भी वियर कर सकते हैं। ये कॉलर इस टाइप से अटैच होगी, आप देख सकते हैं ये इस टाइप से मैंने कॉलर अटैच करना भी बताया है यहाँ पर इसे। ये बटन्स को रिमूव करते हुए यहाँ पर बिना कॉलर की भी हम इसे एज इट इज कुर्ता भी वेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस कॉलर को हम ओपन भी कर सकते हैं, इसमें बैक में भी हमने हुक लगाया और फ्रंट में हमने कांच लगाया। ठीक है, सो गाइस इसे हम थ्री टाइप से वेयर कर सकते हैं, एज इट इज कुर्ता, एज इट इज कॉलर एंड एज इट इज जैकेट। अगर गाइस आपको जैकेट की भी वीडियो देखना है तो हमारी नेक्स्ट वीडियो जैकेट की रहेगी। हमारी 3-in-1 कुर्ती का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके पास ऐसी वीडियो अमेजिंग सी वीडियो आती रहे। सो बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसे अगर कुर्ती को ट्राई करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लुक आया इसका। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।